जा रहे हैं हम बहुत स्पेशल तरीके से। हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। और मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ आपको बताने के लिए कि आज मैं क्या कर रही हूँ। तो क्या मक्की लेके आए थे, यानी कि कॉर्न्स। तो हमने क्या डिसाइड किया आज, हमने कहा चलो ठीक है, इसकी एक चीज बनाते हैं। तो वो चीज हम आज बनाने जा रहे हैं और आप देखते रहिए कि वो क्या बनता है। बहुत ज्यादा लजीज बनाने वाली है वो चीज मैं, आप बस हमारे साथ बने रहिए। और आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो ये चीजें। जैसे अगर आप मक्की लेके आए, अगर आपका मतलब नहीं है, अगर आपके पास मक्की का पेड़ नहीं है, वैसे जनरली तो ऐसा होता है कि तीन चार मतलब ऐसे इस टाइम पे बरसात के टाइम पे लोग लगा लेते हैं, बट अगर नहीं आप परचेज करो, उसे लेके आओ, खरीदो और उसके बाद ये चीज बनाओ और ये चीज बनाओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ना स्वाद लगे तो बोलना, सच में गाइज, ना स्वाद लगे तो बोलना। आप ये चीज बनाओ, मैं आपको बस बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ किचन में, बस जरूर बनाना घर में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट। बस आप बनाओ, एक बार अपनी फैमिली को खिलाओ। तो गाइज जैसे आप ये देख सकते हो, तो फिलहाल तो मैंने अभी 4 मक्कियों से ही मैं सोच रही हूँ कि बनाऊ, तो अभी मैं इसको इसके पूरे कवर इसको उतारूंगी। क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी ये छिलके रखे हुए थे, ये सारा निकाल के रखा हुआ था। तो मैं आपको दिखा दूं कि आपको ऐसे छिलना है, उसमें आप लहसुन भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए, ठीक है। आप मैंने जैसे यहाँ पे 2-3 लहसुन डाल दिए हैं, तो हम इसको अब क्या करेंगे, मिक्सी में पीसेंगे, इसको मिक्स करेंगे मिक्सी में, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद आपका क्या पेस्ट बनता है, लेट मी शो यू। आपका ये पेस्ट बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, मिक्सी में पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसके बाद नमक डालना है, और जो भी आपको जैसे नमक हो गया, हरी मिर्च हो गया, और आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंगली वैसे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे नमक हो गया और हरी मिर्च हो गई और हल्दी हो गई, हल्दी डालनी है इसमें, और तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, यू नो, अपने अकॉर्डिंगली इसमें कुछ भी डाल सकते हो। जैसे हमने सिंपली क्या करा है, इसमें पानी डाला है, नमक डाला है, मिर्च डाली है और हल्दी डाली है, लहसुन डाली है, तो हमने बहुत सिंपली ये बनाया है, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो, बहुत ईजी है गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी है। और आप एक बार टेस्ट करना, मैं आपको बताती हूँ, अब मैं बना दी हूँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। तो गाइस आपको पहले इसमें तेल डालना है, जैसे आपने देखा इसमें तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हो, रिफाइंड डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, थोड़ा सा 1-2 चम्मच आपको डालनी है इसमें तेल, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है जो हमने इसका पेस्ट बनाया है, इसको आप यहाँ पे डालोगे, 2 चम्मच आपने डाल ली, मक्की का चिड़ा बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा है, बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। गढ़वाली में इसे कच्ची मक्की की रोटी भी बोलते हैं, और लगड़े भी बोलते हैं, तो आपने देखा गाइस, मतलब बहुत ही सिंपल है, 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें। आप एक बार टेस्ट करके देखिए, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी। और हम आज ब्रेकफास्ट में ये ही खाएंगे और ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, आप इस घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर। अभी तो थोड़ा सा टाइम है सीजन को निकलने में, अभी भी आ रही है मुंगरियां जिसे बोलते हैं, ये अभी भी आपको मार्केट में मिलेंगी, मार्केट में नहीं आपके खेत में होंगी, वो आप एकदम मतलब फ्राई करके खाते हो या बॉइल करके खाते हो, एक बार ये जरूर बना के खाना,
ये जरूर बना के खाना, बहुत टेस्टी है। और इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हो, आप सॉस के साथ खा सकते हो, आप चाय के साथ खा सकते हो, आप जाम के साथ भी खा सकते हो, आप चटनी के साथ भी खा सकते हो, सब्जी के साथ भी खा सकते हो, मतलब कैसे भी खा सकते हो, जैसा आपका टेस्ट है आपको साथ। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित जी ने भी मेरी हेल्प करी। अमित जी ने भी बोला चलो यार एक मैं भी ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने भी ट्राई किया है। और आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ वैसा ही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हो वही करना है आपको, 2 चम्मच लेनी है, उसको यहाँ पे डालना। मम्मी पापा को सर्व करने जा रहे हैं हम बहुत स्पेशल तरीके से। लीजिए मम्मी जी, चलो आओ। तो गाइस फाइनली आज हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे तो हमने कल भी बनाया था और कल भी खाया था, पर आज हमने और टेस्टी और लजीज बनाया है। तो आइए चाय के साथ हम चलो मम्मी जी आप भी स्टार्ट करो। और ये हमारे प्यारे से अमित जी, आप अपना चीज वाला ही खाना। और ये मेरा भी लग चुका है, अब हम खाने बैठ रहे हैं। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. So guys, यहीं पे ये वीडियो होती है खत्म. And please. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तब आगे लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए.